दसम पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को लकाई जिथे संत सिपाही अमृत के दाते कह के पुकार दी है, उथे ही पुत्रां दा दानी भी कह के सजदा करती है। गुरु साहिब दे इस नां दी गवाही सिख इतिहास दे दो खूनी साके साका चमकौर साहिब ते साका सरहंद रहिंदी दुनिया तक भरदे रहणगे कि किवें निक्की उमरे शेर दे इन्हां बच्चियां ने धर्म की खातर जरबर जुलम खिलाफ महान शहादतां दित्तियां। इन्हां साकियां चों साका चमकौर साहिब अजिहा विलखण साका है जिस विच कलगीधर पातशाह दे प्यारे सिंघां ते दो वड्डे साहिबजादियां ने जालम मुगलां फौजां नूं टक्कर दे के शहीदी जाम पीते। दसम पातशाह दे चार साहिबजादियां चों दूजे साहिबजादे बाबा जुझार सिंह जी की गल करिए तां नानक शाही कैलेंडर मुताबक अज उन्हां दा जन्म दिहाड़ा है जिसने साका चमकौर साहिब च मुगल फौजां नूं लोहे दे चने चबाउण दे लई मजबूर कर दिता। साहिबजादा जुझार सिंह दा जन्म संमत 1747 नूं गुरु साहिब दे महल माता जीतो दी कुखों श्री आनंदपुर साहिब विखे होया। वड्डे वीर अजीत सिंह दी तरह ही साहिबजादा जुझार सिंह भी घोड़सवारी शस्त्र विद्या तीरअंदाजी दे विच निपुण सन। आनंदपुर साहब का किला छड्डन अते सिरसा नदी ते पे परिवार विछोड़े मगरों दोवें वड्डे साहिबजादे गुरु पिता ते कुछ सिंघां दे नाल चमकौर की कच्ची गढ़ी पहुंचे। मुगल फौजां ने चमकौर की गढ़ी नूं घेरा पा लिया। सिंघ ते मुगल फौजां च जंग छिड़ गई। सिंघ पांच पांच दे जथियां च चमकौर की गढ़ी चों बाहर जाण दुश्मन फौजां का मुकाबला करन लगे। जदों चमकौर की कच्ची गढ़ी चों साहिबजादा जुझार सिंह ने अपने वड्डे वीर अजीत सिंह नूं मैदाने जंग दे विच दुश्मनां दे नाल लोहा लैंदे देखिया तां उन्हां दा वी खून उबाले खाण लग पिया। रण विच वैरियां दे आहू लाउंदिया साहिबजादा अजीत सिंह जदों शहादत दा जाम पीर गए तां साहिबजादा जुझार सिंह ने गुरु पिता कोलों आ के बेनती कीती, पिता जी मैनूं वी आग्या बख्शो तां जो मैं भी वीर अजीत सिंह वांग दुश्मनां दे नाल दो हथ कर सकां, देखियो मैं दुश्मनां दे दंद किवें खट्टे करदा। पिता जी जल्दी करो, मैं भी अपने वड्डे वीर कोल जाणा है। साहिबजादा जुझार सिंह दे इस जोश अते उत्साह नूं कवि सैनापत इंज बयान करदा है। जब देखियो जुझार सिंह समा पहुंचियो आण, दौरियो दल में ताइके कर में गही कमान। पुत्र दे जंगी जोश नूं देख गुरु साहिब ने जयकारियां दी गूंज च साहिबजादा जुझार सिंह दे सिर ते एक छोटी कलगी सजाई ते तेज तलवार ते ढाल दे के पंज सिंघां भाई हिम्मत सिंह, भाई साहिब सिंह, भाई मोहर सिंह ते भाई लाल सिंह नाल मैदाने जंग विच तुरिया। साहिबजादा जुझार सिंह जिवें ही मैदान जंग दे विच आए, बच्चे जिहे नूं वेख के मुगल फौज एक वार टुट पई। गुरु जी ने यह वेखद्या ही गढ़ी दे विचों तीरां दी बारिश शुरू कर दित्ती। तीरां दी छावें बाबा जुझार सिंह जी अगे वधदे हुए वैरियां दे आहू लाउण लगे। बड़े घमसान दा युद्ध होया। उमर पक्खों निके पर युद्ध कला पक्खों तिखे इस सूरमे दी सूरमताई नूं देख के वैरी दंग रह गए। करीब 2 घंटियां तो भी ज्यादा साहिबजादा जुझार सिंह जी ने मुगलों दा टट के मुकाबला किया। महज 14 सालां की कच्ची जी उमर वड्डे वड्डे मुगल जरनैलां ते भारी पैंदे हुए साहिब जुझार सिंह अखीर 8 पोह संमत 1761 मुताबक 22 दसंबर 1704 नूं शहीदी पा गए। उस साके की याद च चमकौर विखे गुरद्वारा कतलगढ़ी साहिब मौजूद है। बाबा जुझार सिंह जी की उम्र तो सिर्फ 14 सालां की सी, पर तीरअंदाजी नेजाबाजी ते तलवार चलाउण दे विच निपुणता वड्डे वड्डे योध्यां तो भी किते अगे सी। उन्होंने अपनी लियाकत दलेरी ते सूरबीरता दे जौहर विखाए, दुनिया दे विच अमिट यादां छड्ड गए। जगबाणी ते दर्शन टीवी की समुची टीम वालों दुनिया भर च वसदियां संगतां नूं साहिबजादा जुझार सिंह दे जन्म दिहाड़े दियां लख लख वधाइयां। न्यूज़ डेस्क तों मनजीत विश्वास की रिपोर्ट दर्शन टीवी दे लई।